मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्या आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। और आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके संख्या पद्धति से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, 116 से 120 तक का क्वेश्चन है। उसके पहले मैं सॉल्व करा चुका हूँ। मैं ये सॉल्व क्या करा नीचे से शुरू करूँगा क्योंकि यहाँ मिटाने में थोड़ा मिटा के सॉल्व करने में आसानी हो जाता है। मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभक्त नहीं होगी? देखिएगा फ्रेंड, ये आपका 24 दिया गया है। ये क्या गया है? 24। ये दिया गया है 24। इसको क्या करते हैं, ये 24 से भाग देना है। मतलब कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभक्त नहीं होगी? तो ये देखेंगे, ये विभक्त नहीं होगी। अब इसको कैसे हम पहचाने कि कौन सा डायरेक्ट क्वेश्चन तुरंत कैसे हम सॉल्व करेंगे कि ये क्वेश्चन विभक्त हो जाए? तो इसको ऐसे दो भाग में, इसको 24 को दो भाग में ऐसे तोड़ना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेने पर 1 हो जाए और गुणा करने पर 24 हो जाए। तो देखते हैं, 3 और यहाँ 8 ले लेंगे, 3 और 8, इसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोला जाता है। इसमें क्या है, इसमें से भी 1 काम लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे भी कोई 1 काम ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं। तो उसी को 1, उसका मान 1 हो जाए, मतलब इन दोनों में से को एक संख्या कॉमन हो जाए, एक ही कॉमन होना है, तो वो को प्राइम नंबर बोला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है। अब यहां से देखिएगा, ये आपको दो भाग में तोड़ा गया है, दो भाग में तोड़ा, 8 त्रिक 24। क्या होता है? 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 गुणा करने पर 24 हो जाए। क्या है? गुणा करने पर 24 हो जाए और इन दोनों में से इस ऑप्शन में जो दिया गया है वो क्या है कि इसको कट जाना चाहिए। ये आपका जो ऑप्शन दिया गया ये कट जाना चाहिए। तो ये देखिए, तो क्या होता है, 8 का जो रूल होता है, 8 का रूल बताया गया है कि लास्ट का 2 डिजिट लेना है। 8 का रूल क्या है, 2 डिजिट लेना है, सॉरी 3 डिजिट लेना है। और ये 3 डिजिट जो है वो 8 से अगर डिवाइड हो जा रहा है तो समझ लीजिए ये फैक्टर हो गया, ये 8 24 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 8 से या 3 से या इसको जोड़ने पर 3 से डिवाइड अगर होता है तो वो फैक्टर हो जाएगा। देखते हैं कैसे होता है। देखिए इसमें क्या है, इसको लेते हैं 718, 718 किसे भाग देना, 8 से भाग देना। को प्राइम नंबर होता है, मतलब कि जो किसी से एक दूसरे से ना कटे, अलग हो जाए, फैक्टर हो जाए लेकिन एक दूसरे से किसी से कटे ना, उसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब देखिए, 8 8 64, 8 8 64 हो गया, अब 11 में से 4 गए 7 और फिर 8 8 64, 64 ये 4 हो जाए 14, 14 शेष बच जा रहा है। इसका मतलब आपका इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतया विभक्त नहीं होगी, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही है। पहला ही ऑप्शन है क्या है, विभक्त नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका विभक्त नहीं होगा। तो ये आपका आंसर सही है, मतलब पूछ रहा कौन सा विभक्त नहीं होगा, तो 35 718 विभक्त नहीं होगा। अब देखिए, 3 और 8 है, 3 8, अब और अगला भी हम सॉल्व कर देता हूँ, 8 3 अगला सॉल्व करता है। देखिए ये लास्ट का 3 डिजिट लेते हैं, 3 डिजिट लेंगे तो सीधे सीधे देख लीजिए, यहाँ 9 से 3 से डिवाइड हो जा रहा है। फिर इसमें देखिए 436, 8 से देखिए, इसमें से दोनों में से कोई भी संख्या से डिवाइड होना चाहिए, या तो 3 से डिवाइड हो या 8 से डिवाइड हो, तो ये हो जाएगा 4 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। देखिए 4 3 6 दिया गया है, 8 से करेंगे, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40,
40 3 और 6 8, 8 चौक 32, ये 3 से, सॉरी ये 3 से डिवाइड, इन दोनों में से किसी एक से डिवाइड होना चाहिए। तो ये मान लीजिए 8 से नहीं डिवाइड हो रहा, तो 3 से, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाता है। ये भी लास्ट में देखिए 736 है, ये भी आपका 6 से 6 डिवाइड हो रहा है। ये देखिए ये आपका ये डिवाइड नहीं होगा, ये भाग देने पर ना 8 से डिवाइड करने पर भाग जा रहा है ना 3 से, इसलिए इस निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभक्त नहीं होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा इतना 35,718। ये ना 3 से डिवाइड हो रहा है ना 8 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये तीन ऑप्शन जो दिए गए हैं बी सी डी, ये आपको पूरा पूरा विभाजित तो हो रहा है। ये इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त होगी। इसको भी दो भाग में तोड़िए, 18 को प्राइम नंबर में चेंज करना है, तो आप एक दो संख्या लेंगे और एक लेंगे 9 लेंगे। ये देखिए इसमें से भी एक ही कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो जाएगा, यहाँ भी एक हो गया और इससे भी कॉमन लेंगे तो एक ही होगा, तो एक कॉमन हो जाएगा, लेकिन गुणा करने पर 18 आना चाहिए, गुणा करने पर 18 आना चाहिए और दोनों से कॉमन लेंगे तो एक होना चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका हो जाएगा एक और दोनों का गुणा करने पर 18। अब इसमें पूछ रहा कि ऐसे, अब देखिए यहाँ 2 या 9 इन दोनों में से किसी एक संख्या से गुणा भाग देने पर डिवाइड हो जाए। तो देखिए यहाँ से 6 है 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 6 है 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 6 है 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये ना 9 से ना 9 से डिवाइड होगा और ना 2 से डिवाइड हो रहा है। देखिए तो आपका ये आपका आंसर सही हो गया। पूछ रहा था निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी, यहां नहीं लिखना है, नहीं नहीं होगी। तो देखिए ये आपका विभाजित नहीं होगा, ये इसका मतलब आपका आंसर डी सही है, इस तरह से लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप यदि 157 स्टार 234 पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार का मान बताइए। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने में सभी संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ दिया जाता है, सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाता है 3 4, क्या करते हैं सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। जोड़ने पर जो संख्या आपको बच जाए, मतलब 3 आपका जो संख्या दिया गया है उसे भाग देने, पहले देख लेते हैं 157 स्टार, स्टार के स्थान पे x लिख देता हूँ, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, या तो 9 हो या तो 3 हो, इन दो संख्या अगर हो तो सभी संख्याओं को जोड़ने पर 3 या 9 से अगर डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या पूर्णतया 3 या 9 से विभाजित हो जाएगी, मतलब कुल मिला के 3 और 9 से वो कट जाना चाहिए। तो 5 1 6 7 7 6 13 6 6 12 13 13 14 15 16 17 18 18 4 22, ये हो रहा है 22 प्लस x। अब इसमें कौन सी संख्या रखेंगे कि आपको 9 या 3 से डिवाइड हो जाए, तो इसमें पहले इसमें दिया गया था 3 से विभक्त हो जाएगा, तो इसमें 2 प्लस 5 तो हो जाएगा 27, ये 27, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब इस स्टार के जगह पे क्या रखना है, स्टार के जगह 157 5 2 3 4, क्या रखेंगे स्टार के स्थान पे 4 रखेंगे, इस तरह से होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि दिया गया है 671 स्टार 483, 9 से पूर्णतया विभक्त हो तो स्टार का मान बताइए, यहां का इस मान निकालना है। जोड़ते हैं 6 प्लस 7 प्लस 1
इसका मान पता नहीं तो इसको x मान लेते हैं, प्लस 4 प्लस 8 प्लस 3 जोड़ते हैं, 6 7 13 14, 14 और 4 14 4 18, 18 18 2 20 6 26, 26 27 28 29, क्या हो रहा है 29 29 हो रहा है। 29 में अब कितना इसमें, ये 29 इसमें कितना जोड़ते हैं कि 9 से डिवाइड हो जाए। 9 से डिवाइड करने का मतलब 9 चौक 36, इसका मतलब 6 7 जोड़ना, कितना जोड़ना है यहाँ पर, ये 3 इसके स्थान पे 7 रखेंगे तो हो जाएगा 9 9 6 16 और 36, ये हो गया इसका 9 चौक 36। इसका इसके ऑप्शन में आपका दिया गया है 7, ये 2 5 7 8 दिया गया था, तो इसमें क्या रखा जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर 7 रखेंगे तो ये पूर्णतया 9 से विभाजित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि 6 7 3 5 स्टार 1, जो पूर्णतया 9 से विभाजित हो जाए। फिर जोड़िए 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5, और यहां पर स्टार के स्थान पर एक्स मान लेता हूं, मान लिया। अब देखिए 9 6 13 13 14 15 16, 16 5 21 21 1 22 22 प्लस स्टार। अब यहां पर क्या रखें, 2 प्लस 5, ये हो जाएगा 27, तो स्टार के स्थान पे हमको रखना है 5, तो ये जो आपका 6 7 3 5 और 5 1 ये रखना है, इस तरह से रखेंगे तो ये आपस में 9 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अब 116 के बाद में आपका अगले वीडियो में रहेगा, यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आप सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। इसके लिए धन्यवाद।